कहते हैं 100 बगा और 1 लिखा काम आता है, यानी कि मौखिक तौर पर कुछ भी बोल लिया जाए लेकिन बात लिखी हुई ही कानूनी तौर पर पुख्ता मानी जाती है। जी हाँ, बस इसी बात का अनुसरण करते हुए लोगों से जनता कर्फ्यू का पालन इंदौर पुलिस करवा रही है। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के मुख्य खजराना चौराहा पर बेवजह घूमने वाले लोगों की आज पुलिस ने अनूठी परीक्षा ले डाली। पुलिस ने बाकायदा बेवजह घूम कर कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों को पहले तो रोका और गैर जरूरी तौर पर घूमने वालों को अनूठी सजा दी, जिसे वो ताउम्र याद रखेंगे। खजराना पुलिस ने उल्लंघन कर घूमने वालों को 1 पेन और पेपर दिया और किसी से 10 बार तो किसी से 20 दफा यह लिखवाया गया कि हम जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। कई लोग चौराहे पर डिवाइडर पर पेपर रखकर लिखते भी नजर आए कि वाकई उनसे बड़ी गलती हुई है, जिसे वो अब कभी नहीं दोहराना चाहेंगे। इंदौर के खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया है कि शुक्रवार को चेकिंग के दौरान कई लोग बेवजह घूमते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ऐसे लोगों से पूरे पेज पर लिखवा रही है कि वह कर्फ्यू तोड़ने जैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्हें मामूली सजा भी दी गई ताकि उनको यह एहसास हो जाए कि लोग गलत कर रहे हैं। वहीं जो लोग बहस कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं उनको बस के माध्यम से अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। सर, आज क्या कार्रवाई हुई? थाना खजराना, ये जो चेकिंग हमारी हो रही है खजराना चौराहे पर, यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो अनावश्यक बाहर घूम रहे थे उनको हम लोग जो है एक कागज़ पर लिखवा रहे हैं कि हम जनता कर्फ्यू का पालन करेंगे और अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये लाइन हम लोग उनसे पूरे कागज़ में लिखवा रहे हैं, इससे उनको अपनी गलती का भी एहसास होता है और एक छोटा सा पनिशमेंट भी इनके लिए होता है। बाद में उनको हम छोड़ भी देते हैं ताकि उनको एक बार एहसास हो जाए कि हम लोग गलत कर रहे हैं और जो अनावश्यक बहस करते हैं या फिर जो बिल्कुल ही आवारा घूम रहे हैं उनको हम लोग अस्थायी जो हमारी पीछे जो गाड़ी खड़ी है जेल वाहन उसमें 151 के तहत उनको हम लोग भेजकर जेल में अस्थायी जेल में निरुद्ध कर रहे हैं, जहाँ तक शाम तक उनको रखते हैं। फिलहाल कोरे कागज पर शपथ नुमा शब्दों के जरिए पुलिस ऐसे लोगों को दंडित कर रही है जो बेवजह कोरोना के फेर में उलझ सकते हैं। वहीं पुलिस के इस कदम की तारीफ हर जगह हो रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।